I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. आइए मैं आपको बहुत कष्ट दे रहा हूँ देवी जी, क्षमा कीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बैठिए। ओह, बहुत नीचे। आप यहाँ आराम कीजिए, मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया देवी जी। कौन है भैया? मैं हूँ। ओह देवी जी, एक ग्लास शीतल जल मिल सकता है? जरूर लीजिए। धन्यवाद। सूरदास जी, जी आपको इतना पसीना क्यों निकल रहा है? पसीना? ओह ये मर्जी कुछ ऐसा है देवी जी। गुड मॉर्निंग अंकल, आपकी चाय आ गई। अरे उठिए ना अंकल, सुबह। सूरदास जी? सूरदास? कौन सूरदास? अंकल आप सूरदास कैसे बन गए? मैं? माय गॉड, कहीं तो, अरे कहीं वो, ओ माय गॉड, मेरी दादा-दाउलाद, मेरी। सलाम साहब। चुप है, सलाम क्या बाबा बच्चे? अरे मैं तो बर्बाद हो गया। क्या हुआ अंकल? अरे मुझे लुटवा के पूछती है क्या हो गया? देख इधर देख और इधर देख, देख। अरे मेरे सारे जेवरात, मेरे हीरे गायब हो गए। वो सूरदास नहीं था, वो तो अरे अरे ये देख, और ये देख असली है। जरा एक मिनट। अरे अरे क्या दुल्हन बना रही है मेरे को? अच्छा सेठ धर्मदास की बर्बादी का जुलूस तो देख लिया, लेकिन लौंडिया की साड़ी कैसे उतार ली? कई रात में तुमने? अबे गधे, मैं सिर्फ उसके कमरे में सोया था। इस साड़ी में तो ये सब बांध के लाया हूँ। हाँ, निशानी के लिए ये तस्वीर जरूर लाया। ताकत चौधरी साहब, 3 महीनों में ये 10वां डाका। साहब ताकत ने तो हम लोगों की जिंदगी हराम कर दी। कमिश्नर साहब, हमारे जैसे शरीफ शहरियों का शहर में सांस लेना मुश्किल हो गया हो। कमिश्नर साहब, मैं ज्वेलर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी एसोसिएशन मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमाती है। हम आम शहरियों से ज्यादा टैक्स देते, उसके बावजूद भी हमारी जान और माल की कोई हिफाजत नहीं। इस ताकत के सिलसिले में आप लोग क्या कर रहे हैं? तो भाई साहब, यकीन रखिए पुलिस चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख रही। तो फिर अभी तक ताकत गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? दरअसल बात यह है साहब, कमिश्नर साहब लुट गया मैं, बर्बाद हो गया मैं। आप यहां इस हालत में? कहिए तो है कुंवर दिलीप सिंह। अरे कल तक कुंवर दिलीप सिंह था, आज तो भिखारी दिलीप सिंह कहिए। ओ आखिर हुआ क्या? ये रसीदें देखिए देखिए देखिए, 35 लाख के हीरे मंगवाए थे मैंने, 35 लाख। कल ही काट के तैयार किए और रात हमें काट गया कसाई, और हीरों के खाली डब्बे में ताकत का ठप्पा छोड़ गया। अब मेरा क्या होगा, क्या होगा मेरा? थैंक यू। आपने कंप्लेन लिखवाई या नहीं? और हजूर मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ? जब चोरी हुई उस वक्त आप कहाँ थे? मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने कमरे में सो रहा था, खटका हुआ, आंख खुली, मैंने देखा कि शैतान तिजोरी में से हीरों का पैकेट निकाल रहा था। मैंने उसमें जंप किया, वो हट गया, मैं जमीन पर गिर गया, फिर लात पे लात, दे लात पे लात, मारे लातों की हालत खराब हो गई और फिर बेहोश। कौन? मुझ बदनसीब के अलावा और कौन? मैं बर्बाद हो गया कमिश्नर साहब, आखिर ये ताकत है कौन? जरा हिम्मत से काम लीजिए कमर साहब, ताकत बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को लौटा हुआ माल भी आप लोगों को वापस मिल जाए।
हाय मेरा क्या होगा? थैंक यू। क्या औरतों की तरह रोते रहते हो पूरे दिन? बंद करो ये हाय हाय और मेरी बात सुनो। मुझे एक महीने के अंदर ही अंदर 50 करोड़ के नोट चाहिए। ये काम बहुत जरूरी है और अर्जेंट है, समझे? छापूंगा, जरूर छापूंगा। तुम्हारा पालतू कुत्ता जो हूं। आज हमने आप प्रेस वालों को यहां आने की तकलीफ यह बताने के लिए दी है कि ताकत और जाली नोटों का सुराग जानने के लिए पुलिस अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, हमें इस काम में जनता की मदद की सख्त जरूरत है और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप प्रेस वाले इस बात को जनता तक पहुंचा दें। किसी भी आदमी को ताकत या जाली नोटों के बारे में अगर कोई भी सुराग मिले तो फौरन पुलिस को इत्तला करें। हम यकीन दिलाते हैं कि उस आदमी को कोई खतरा नहीं पहुंचेगा। हेलो, मैंने कहा था ना मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाए। क्या एक आदमी जाली नोटों के साथ पकड़ा गया? गुड, वेरी गुड। पुलिस की गोली से जख्मी हो गया है, कुछ बताया उसने? जाली नोटों के लीडर को जानता है। गुड, और क्या कहा? उसके बाद बेहोश हो गया, कोमा में। होश आने के बाद बताएगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम सब लोग सिटी हॉस्पिटल पर पूरी तरह निगरानी रखो, मैं भी उस तरफ पहुंचता हूं। रूम नंबर क्या है? 9 फर्स्ट फ्लोर। ओके। कोई हरामजादा हमारे बीच गद्दार बन के छुपा हुआ है। गद्दार? मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगा। मैं आजाद, तुम आंटी के पास जाओगे? होश में आने से पहले मुझे वो आदमी यहां चाहिए, जिंदा। आंटी, आप यहाँ? हाँ, एक जरूरी काम से आई थी। ये आजाद है, इसके साथ तुम्हें जाना होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट। ओके बॉस। मैं जाकर स्ट्रेचर लेकर आती हूँ, समझे?
मुझे। कौन है तुम? तुम्हें कैसे छोड़ा? गुंडे बदमाश, मैं तेरा चिल्ला मत। मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं, मैं ही हूं। पुलिस? हाँ पुलिस। तुम और तुम्हारे साथियों के लिए पुलिस ने एक जाल बिछाया था। अब बताओ तुम्हें अस्पताल में किसने भेजा? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। रुकिए बॉस। देखो, किसी लड़की पर हाथ उठाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो सच सच बता दो, मुल्क में नकली नोट फैलाने वाले लोग कौन हैं? मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। तुम झूठ बोल रही हो। जिस देश में जन्म लिया उससे गद्दारी। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, जिन शैतानों ने ये पाप किया है उनमें से मैं किसी को नहीं जानती। मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि मुझे पुलिस वालों से एक आदमी को बचाकर अस्पताल से लाना है। किसने कहा? आंटी ने। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आंटी इस जुर्म की जंजीर में कड़ी बनी हुई है। आंटी बोलिए ना, आंटी आप बोलती क्यों नहीं? हाँ जी आप। हाँ जी नहीं, हाँ जी नहीं, नहीं हाँ जी। तस्वीर को पहचानती हो? हाँ, ये मेरे डैडी हैं, ये मम्मी और ये डैडी की गोद में मैं हूं। डैडी? कहाँ है तुम्हारे डैडी? पता नहीं, जब मैं बहुत छोटी थी तो वो विदेश चले गए। सुना है उन पर खून का इल्जाम था। सदमे में मां बीमार हो गई और एक दिन जब उनका आखिरी समय था, हमको लगता हमारा टाइम पूरा हो गया, तुम प्रॉमिस करो तुम इसको पालेगा। हाँ हाँ, मैं इसको जरूर पालूंगी, तुम इसकी फिक्र मत करना। और सिस्टर, ये क्रॉस जो सबने मुझे शादी के मौके पर प्रेजेंट किया था, मेरे बाद इस रोजे को पहना देना। ये फोटो जोसेफ का और मेरा है। और ये तस्वीर इसलिए दी थी कि शायद डैडी मिल जाए और इस फोटो को देखकर हम एक दूसरे को पहचान ले। तुम्हारे डैडी का नाम क्या है? जोसेफ डिसूजा। जोसेफ डिसूजा। ऐसा पाइप तो त्रिपाठी अंकल के पास भी है। नकली नोटों के मुजरिमों को पकड़ने के लिए हमने एक जाल बिछाया था।
अच्छा हाँ, बल्कि इस सिलसिले में एक लड़की भी हाथ लग गई। उसने अपनी आंटी का नाम बताया जो मुजरिमों के उस गिरोह से ताल्लुक रखती थी, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही वो बदमाश उसकी आंटी को खत्म कर चुके थे। इन शैतानों की नजर में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। आंटी के घर से उस लड़की का एक फैमिली फोटोग्राफ मिला है। उस तस्वीर को देखकर हमारे बरखुरदार ये कह रहे हैं कि उसके बाप की शक्ल वो बहुत उनसे मिलती है। ऐसे वेरी इंटरेस्टिंग। ये रही उसके बाप की तस्वीर और ये रही तुम्हारी तस्वीर। लेकिन अंकल ये तो ये इस तरह है। और ये रहा वो पाइप जिसकी तस्वीर आपके पाइप से हूबहू मिलती है। और ये रही उस लड़की के फैमिली की तस्वीर। ए कॉकरोच जी, आज हमारा शादी का दूसरा साल गिरा है। फोटो एकदम अच्छा आना चाहिए, साफ। ए रेडी जोसेफ, कम यार। क्या बात है, तेरे थोपड़े पे बारह का को बजा। पुलिस को पता चल गया है कि कस्टम ऑफिसर के खातिर लाप हैं, वो आपको गिरफ्तार करने यहाँ आ रहे हैं। बोल रहे, मैं ठीक कह रहा हूँ? कम ऑन, लेट्स रन जोसेफ, रन। क्या हुआ त्रिपाठी, ये आंसू कैसे? पुरानी यादों का काम ही रुलाना है कमिश्नर साहब। सुशील बेटा, तुम ठीक कहते हो। कमिश्नर साहब, आप भी ठीक कहते हैं। लेकिन अंकल, हम दोनों ठीक कैसे हो सकते हैं? तुम इसलिए ठीक हो बेटे कि ये पाइप वही है जो तस्वीर में है और शक्ल भी मिलती है। और कमिश्नर साहब, आप इसलिए सही हैं, ये तस्वीर मेरे जुड़वा हम शकल भाई विष्णु प्रसाद त्रिपाठी की है। अंकल, ये तस्वीर विष्णु प्रसाद त्रिपाठी की नहीं, खूनी स्मगलर जोसेफ की है। जोसेफ तो उस क्रिश्चियन लड़की के साथ शादी करते वक्त बना था। बचपन से ही वो गलत रास्ते पे चला गया था। पिताजी ने उसकी हरकतों के बारे में सुनकर उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद हमने अखबार में पढ़ा कि उसने एक कस्टम ऑफिसर का खून कर दिया और भाग गया। जैसा भी था, वो था तो मेरा भाई ही। मैंने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की, तड़पता रहा, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। हाँ, एक दफा मेरी सालगिरह पर उसने तोहफे के तौर पर ये पाइप मुझे भेजा था। उस वक्त से आज तक ये मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। उसकी बीवी बेचारी तो मर गई। जी हाँ, मगर बच्ची जिंदा है जो पकड़ी गई है, उससे मिलना चाहेंगे आप? मेरे भाई की आखिरी निशानी, क्यों नहीं, कहा है वो, मिलाइए मुझे उससे। सुषमा, प्लीज कम यार। आओ सुषमा, आगे आओ, इनसे मिलो। ये तुम्हारे अंकल हैं, तुम्हारे पिताजी के जुड़वा भाई मिस्टर त्रिपाठी। अंकल, मेरी बच्ची, क्या नाम बताया था आपने चौधरी साहब? सुषमा, मेरी बेटी। For exclusive classic movies, download Shimarumi app now.